चलो काम खत्म हो गया। घर छोटा होने से सफाई कितनी जल्दी खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। आती हूँ। हेलो। अरे हेलो अश्विनी बेटा, तुम अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारी मॉम कहाँ है? तुम अकेले? पर आपको मिलाकर तो हम दो हुए ना। हाँ वो तो है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? जानती है मैं मॉम से नाराज हूँ। अच्छा मॉम से नाराज हो? हैं क्या कहा? लेकिन तुम अपनी मॉम से नाराज क्यों हो ये तो बताओ। मैं मॉम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है और हिमाबारी के साथ खेलना है। हैं मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे सुनो तो, आसुमी मेरी बात तो सुनो। हेलो। हाय, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी दीदी आसुमी। आन्यू जी। ओ मेरी प्यारी छोटी बहन हिमाबारी, बहुत अच्छी है। आसुमी जरा इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं आपको परेशान कर रही हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। वैसे तुम मॉम से नाराज क्यों हो ये तो बताओ। मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। हाँ हाँ गुस्सा हो, पर बात क्या हो गई आसुमी? मॉम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप जानती हैं, उन्होंने मेरी फेवरेट टी शर्ट को। इस टी शर्ट का रंग तो अच्छा है, लेकिन कुछ कमी सी लग रही है। अरे वाह, ये डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसे काट कर अपनी टी शर्ट में लगा लेती हूँ। तरन, मजा आ गया, क्या बढ़िया लग रही है मेरी टी शर्ट। हाँ? अरे मैंने तुम्हें उठा दिया क्या? हाँ? अरे रे रे, वो कुछ नहीं है बेटा। ये क्या? आज सुमी देखो, मॉम की टी शर्ट पहनती नहीं थी बेटा, इसीलिए। ऐसे तो कोई नहीं करता। मत देखो। अच्छा तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? नहीं मुझे नहीं जाना आपके साथ। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाऊंगी। अब इसे मराना बहुत ही मुश्किल काम होगा मेरे लिए। मैं हिमावारी के पास जा रही हूँ। तो ये बात है, तुम्हारी मॉम जब वापस घर आएंगी तो तुम्हें वहाँ ना देखकर फिक्र में पड़ जाएंगी। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज सुनी, अरे नहीं इसे भी अभी आना था, अब इन तीनों को मैं कैसे संभालूं? तो आपका दिन कैसा रहा मेरी प्यारी मॉम? हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आज से मैं आपकी छोटी बहन और आप मेरे बड़े भैया। मॉम ये मुझे भैया क्यों बुला रही है, मैं तो इससे छोटा हूँ ना। वो तुमसे छोटी है, पर अभी हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। पर मैं उससे छोटा तो हूँ ना। फिजूल की बातें बंद करो, जब तुम्हारी मॉम आ जाएंगी तुम घर चली जाना, ठीक है? नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम इससे दोस्ती करोगी? पता है कैसे बोलता है? खाने को दो ना मॉम, भूख लगी है। जल्दी करो, आज स्नैक में है फ्रूट जेली। मॉडर्न आत्सुको की बेटी आत्सुमी के लिए तो स्नैक भी स्पेशल होना चाहिए। ये लो बच्चों स्नैक टाइम। तेरी वाह, इसे मैंने खुद बनाया है। कैसा बना है? अच्छा तो है, पर क्या? मुझे असली फल ज्यादा पसंद है, मैं बचपन से ताज़े फल खाती आई हूँ। अरे वाह, तुम्हें टेस्ट की काफी समझ है। मेरे डैड जहाँ भी जाते हैं वहाँ से ताज़ी और खास चीजें लेकर आते हैं। खास की चीज लाते हैं? अरे नहीं बेटा, खास नहीं खास, इसके पापा टेस्टी और ताज़ा खाने की चीजें लेकर आते हैं। अरे हाँ, तुम्हारी मॉम ने बताया था तुम्हारी डैड डिलीवरी ट्रक चलाते हैं, है ना आसुमी? वो कश्मीर के सेब, नागपुर के संतरे, देहरादून की लीची, विजयवाड़ा के आम, तरबूज भी लेकर आते हैं। अरे वाह, तुम्हें तो देश भर के अलग अलग फल खाने को मिलते हैं, है ना? फल ही नहीं, आगरे का पेठा, जालंधर की बढ़िया वाली मिठाई भी लेकर आते हैं, बहुत मजा आता है। मुझे भी आसुमी के घर में रहना है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं बड़ी शहर का लड़का हूँ, बहुत समझदार और जिम्मेदार हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई बनने को भी तैयार हूँ। मेरे पास एक्शन कमन के खिलौने भी है, मुझे अपने घर में रख लो, मैं तुम्हें अपने खिलौने से भी खेलने दूंगा। प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं। नहीं तुमने नहीं कहा, मेरे ही घर में मुझसे नहीं कहा। शिनचैन, मेहमानों से तमीज से और प्यार से बात करनी चाहिए। मैं मुझसे सीक्रेट में बात कर रही है, वो कह रही है मैं तुमसे प्यार से बात न करूं। मैंने अभी तुमसे क्या कहा था, मेहमानों से तमीज से और प्यार से बात करो। देखो मुझे थोड़ी और देर लगेगी शॉपिंग करने में, अगर तुम्हें भूख लगे तो पिज्जा ऑर्डर कर लेना, ठीक है? और खाकर सो जाना। अब आपको इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह, कहाँ पर हो तुम? आप इस जगह
नाना को नहीं जानती और ये घर से बहुत ही दूर है। अरे बेटा फोन मुझे दे दो प्लीज। हेलो आत्सुको बोल रही हूँ, मैं मिसेस नोहारा बोल रही हूँ। अरे दीदी आप, अच्छा तो ये आपके घर में है, मैं तो डरी गई थी कहीं ये आपको परेशान तो नहीं कर रही। अच्छा तो उसने ऐसा बताया, टी शर्ट का कुछ करना पड़ेगा। शॉपिंग करने के बाद तुम सीधे यहीं आ जाना ठीक है, तुम्हें अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहिए। आत्सुमी तुम ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अरे आत्सुमी शायद तुम्हारी मॉम आ गई है। आई मैडम आपका पिज्जा आया है। पर हमने तो ऑर्डर नहीं किया। इसमें तो मिसेज नुहारा का नाम लिखा है, फ्लैट नंबर 202। ये एक्शन पिज्जा आप ही के लिए है। पिज्जा पिज्जा, क्या हम ये पिज्जा सचमुच खा सकते हैं? हाँ जरूर, इससे पहले ठंडा। ये तो बहुत बुरा होगा, समझ नहीं आया। हाँ? हेलो पिज्जा पहुँच गया क्या? अरे आत्सुको तुम आ गई। आत्सुमी कहाँ है? आत्सुमी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। आत्सुमी तुम टी शर्ट को लेकर मुझसे अभी भी गुस्सा हो? अरे अब गुस्सा छोड़ भी दो ना। मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी। मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी। ये कोई गाना नहीं है शिनचैन। ओके मैंने तुम्हारी टी शर्ट खराब कर दी, उसके लिए सॉरी, अब गुस्सा छोड़ भी दो। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। एक नई टी शर्ट। अरे वाह ये तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जानती थी तुम्हें ये पसंद आएगी, मैंने अपने लिए भी ऐसी ही खरीदी है। आपके पास भी? मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। अच्छा लगेगा जब हम एक साथ पहनेंगे। चलो पिज्जा खाते हैं। पिज्जा खा के बोलो जी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या कोई घर में है? दरवाजा खुला है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आप इस वक्त बिजी हैं? नहीं नहीं क्या बात है कहिए। मुझे डायपर्स लेने बाजार जाना है, क्या आप थोड़ी देर हिमावरी का ख्याल रख लेंगी प्लीज? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं तुम्हारी मॉम कब तक वापस आएंगी। आधे घंटे से तो ज्यादा ही लगेगा उनको, अगर ये जाग रही होती तो इसके साथ खेलते खेलते टाइम निकल जाता। अब क्या करूं? अरे हाँ मैं इसकी नकल उतारती हूँ, इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब क्या करूं? मैं तो बोर हो रही हूँ। अरे कहाँ रखा है? हाँ मिल गया। अब जब मेरे पास एक घर है और बच्ची भी है तो मैं माँ बनने की एक्टिंग करती हूँ। ओके 3-6 घर के अंदर शाम को एक्शन। मैं घर आ गई बेटा, तुम्हारी मॉम आ गई। तुमने मुझे मिस किया ना? मुझे पता है तुमने मुझे बहुत मिस किया। उम्मीद है तुम अच्छे बच्चे की तरह रही होगी। पता है जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मुझे आज डांट खानी पड़ी, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं और मेहनत करूँगी, तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुम्हें खुशियाँ ला कर दूंगी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे कुछ कॉमेडी करनी चाहिए, क्या पहनूं? ये सही रहेगा और ये काफी मॉडर्न भी है। ये पर ये मुझे किसी की याद दिला रहा है। हाँ मेरे पड़ोसन की। ओह देखो तो जरा, ये तो बहुत बोरिंग है, लगता है मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। सुनो पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम कहीं नहीं भाग सकती। आवाज तो कम कर लूं। अरे ये तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धमकी दी, जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, समझे? अरे वाह ये इस रोल को कितने अच्छे तरीके से कर रही है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो अंदर फंसे लोगों की जिंदगी का सवाल है, जल्दबाजी में फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। आप बस ऑर्डर कीजिए, 2 मिनट में पकड़ लूंगा मैं उन्हें, वो नहीं बचेंगे मुझसे। ये तो बहुत दिलचस्प सीरियल है, जो भी इसका नाम है। क्या तुम्हें इसका नाम पता है मसाओ? मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा ये तो बताओ, अगर
तो लोगों को बचाने के लिए क्या करते? मैं तो पक्का रोने लग जाता। और तुम क्या करते शिनचान? मैं क्या करता? मुझे लगता है मैं शायद एक्शन कमेंट को बुला लेता मदद के लिए। वो तो ठीक है लेकिन मैं आज चोर को पकड़ने आया हूँ। मसाओ जल्दी से चोर बन जाओ। वो मुझे चोर बनना होगा। अगर तुम चोर नहीं बनोगे तो तुम पर एक्शन बीम चला दूंगा। अच्छा तो ठीक है, एक्शन कमिंग। मैंने तुम्हारे इस साथी को पकड़ लिया है। अगर इसकी सलामती चाहते हो तो मुझे अपनी पावर दे दो, वरना मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। कभी नहीं, तुम मुझे इस तरह डरा नहीं सकते। अब तुम क्या करोगे एक्शन कमिंग? क्या ऐसा ही करता है? मेकअप तो लगभग पूरा कर लिया है मैंने, बस विग लगानी है। कहाँ रख दी मैंने विग? हाँ ये रही, मिल गई। बंदूक कहाँ रख दी? ये रही। खबरदार अपने हाथ ऊपर कर लो। वेलकम बैक मैम। ये पुलिस तो मेरे अंदाजे से बहुत पहले आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। ये कैसी आवाज है? इस तरफ तो कोई नहीं है, चलो दूसरी तरफ देखती हूँ। ये तो वही है। बाहर कोई नहीं है, मुझे घर के अंदर वापस जाना चाहिए। ये तो वही है जिसे मैंने अभी टीवी पर देखा था, और इसने ये भी कहा था कि उसके कब्जे में लोग हैं। क्या करूँ? ये डांस करने का वक्त नहीं है। लगता है मुझे अब एक्शन रोल करने बंद कर देने चाहिए, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं रही है। ये छोटे बच्चे कितने आराम से सोते हैं। मुझे शाम को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है, तो चलो जब तक मिसेस नुहारा वापस नहीं आती मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। चलो मैं इस पोज में सोकर देखती हूँ। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही, ये आखिर हमारे घर में क्यों आई है? हमारे घर में तो कोई महंगी चीज भी नहीं है, क्या लेने आई है? पर सबसे पहले मुझे हिमावारी को इसके चिंगल से बचाना होगा। पर अगर ये चोर जाग गए तो न जाने मेरा क्या होगा। क्या करूँ? अरे ये डांस करने का वक्त नहीं है। अरे हाँ आइडिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बड़े से बड़े दुश्मन का सामना कर सकता हूँ। हिलना मत। मुझे माफ कर दीजिए। हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या करूँ? लगता है नींद में बोल रही थी। मैं थक गया। वो शॉप वाली लेडी ज्यादा ही बातें करती है। रियो मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे हाँ, कहाँ चला गया? डायपर्स के साथ ये जो मास्क मिला है, इसे पहनकर रियो को डराऊंगी। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे मजा आएगा। मैं घर आ गई। रियो माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। कहाँ हो तुम? रियो कहाँ है? ऑडिशन की प्रैक्टिस हम करेंगे। बंदर का रंग ऐसा लाल क्यों होता है? शायद क्योंकि बंदर
हैं। कुछ बंदरों के चेहरे काले होते हैं और शर्मा जाने पर नीले हो जाते हैं, शर्माने पर नीले हो जाते हैं। ढलते सूरज को देखकर कितनी सारी बातें याद आ जाती हैं। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उफ, मुझे ये नहीं बोलना था, फिर से करती हूँ। प्लीज ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार मत करो, मुझे तुम और तुम्हारा बनाया खाना दोनों पसंद है, प्लीज वापस लौट कर आ जाओ। रियो दीदी। शिनचैन, आप क्या कर रही हो? अरे शिनचैन, तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैं ऑडिशन की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ रोज शाम के समय नदी के किनारे अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, और जब मेरा मन उदास होता है तो मैं यहाँ आकर पानी की आवाज़ सुनती हूँ और मुझे बहुत शांति मिलती है। ये पानी है मेरी दर्शन और ये धूप की रोशनी है मेरी लाइट। पता है शिनचैन, यहाँ आकर मेरे मन को सुकून मिलता है। ये चिड़ियों की चहचहाहट मुझे अपनी तरफ खींचती है, कितना सुंदर है। मैं भी आपकी तरह हूँ दीदी, स्नैक्स खा जाती है और मैं दुखी हो जाता हूँ, तब मैं कहीं और नहीं यहीं आता हूँ। पता नहीं मेरे कल के ऑडिशन में क्या होने वाला है। क्या कह रही हो? हाँ, उसका जरूरी ऑडिशन है, वो अकेले ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाती, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे प्लीज हैरी? मैं बहुत थका हुआ हूँ मिस्सी, क्यों ना हम लोग इस होने वाले लड़के से कहें, ये उसकी प्रैक्टिस करवा देगा। तीन बार फेल होने वाला लड़का मत कहिए, मैं चौथी बार भी फेल हो गया। तो अगली बार फिर कोशिश कर लेना, कोशिश करते रहने का नाम ही तो जिंदगी है। पर अब रियू दीदी का क्या होगा, मुझे सोना है, नहीं तो मैं उनकी मदद कर देता। दुनिया में कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कहीं मैंने इस वक्त आकर आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरे पास टाइम है, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। फेल हो जाओगी, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप सबका शुक्रिया। तो क्या हम अपनी रिहर्सल शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर नुहारा, मेरे सामने से हटिए, ऐसे मत खड़े होइए। आप ये ठीक नहीं कर रहे, हट जाइए। चुप रहो तुम दोनों, ये मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, समझे क्या? वो मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहती है, समझे? आप देने गलत फहमी में न रहे, मैं प्रैक्टिस करूंगा। दरअसल स्टोन पेपर सीजर से फैसला कर ले। ठीक है। देख रही हो, बड़े भी कैसे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। स्टोन पेपर सीजर, तुमने चीटिंग की। अच्छा शिनचैन, तो तुम ऐसे इंसान हो जिसने मुझे धोखा दिया है। ठीक है। अच्छा तो सीन शुरू होता है, बताओ तुम्हें मैं अचानक इतनी बुरी क्यों लगने लगी? अभी बताता हूँ, क्योंकि तुम चावल में ढेर सारा टोमेटो सॉस मिलाकर खाती हो, इसलिए। तो उसमें क्या गलत है, टोमेटो सॉस और चावल बहुत टेस्टी होते हैं। कैसी स्टोरी है, बहुत अजीब। यो कितना अच्छा कर रही है ना, ये जरूर सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे मत जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो। काट, शिनचैन जो लिखा है वही बोलो। तुम्हें लड़की से हाथ मिलाना है और नाराज होते हुए गुड बाय कहना है, समझे? कर सकता हूँ। अरे मुझे ही ये रोल करना पड़ेगा और किसी के बस की बात नहीं है। खुद को हीरो समझ रहे हैं। गो, गो। अच्छा चलो तो शुरू करते हैं। बताओ तुम्हें मैं अचानक इतनी बुरी क्यों लगने लगी? मैंने कब कहा कि तुम बुरी हो, तुम तो एक बहुत अच्छी लड़की हो। केक खाओगी क्या, लेकर आऊं तुम्हारे लिए। स्क्रिप्ट में ये सब कहां लिखा है? असली बोल पड़ा, सच बोल पड़ा। अच्छा तो आप उसे केक खिलाना चाहते हैं हैरी? मेरे लिए तो कभी केक लेकर नहीं आए। मुझे क्या कर पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं ठीक है। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए कहा था, ये सब क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? शिनचैन तुम जाकर उन दोनों को रोकते क्यों नहीं हो? ये खतरा मैं नहीं उठाने वाला, वैसे कल के ऑक्शन के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शिनचैन उसे ऑक्शन नहीं ऑडिशन कहते हैं, समझे? पर मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है।
मिस रियू कौन है? हाँ मैं हूँ। हेलो मैं रियू हूँ, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप शुरू कर सकते। ठीक है। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो खड़े हो जाइए। मैं तो सारी लाइन्स भूल गई। सबने मेरे लिए कितनी मेहनत की थी। उसने कहा था ऑडिशन लंच से पहले खत्म हो जाएगा, फिर वो कहाँ है? बहुत लेट हो गई है। बिल्कुल सही कहा। मैं जानता था, वो देखिए। हैरी मुझे लगता है उसका ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ। अब क्या करें हम लोग? ये तो सचमुच रियो है वाशिंगटन। अरे हम लोग तो यहाँ से निकल रहे थे तो आप हमें नजर आ गई हैं, बस और कोई बात नहीं। ये बताइए ऑडिशन कैसा रहा आपका? दरअसल हम नूडल्स खाने जा रहे थे, तुम हमारे साथ चलोगी? मिस्टर नुहारा की तरफ से पार्टी है। मैंने ऐसा कब कहा था? चलिए ना रियू दीदी। बहुत टेस्टी है नूडल्स। अरे यहाँ के नूडल्स टेस्टी नहीं होंगे तो और कहाँ के होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप लोग बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं। मुझे पता है आप लोग ऐसे ही तैरते हुए नदी के पास नहीं आए थे। शिनचैन प्यारा, प्यारा शिनचैन।